हेलो फ्रेंड्स, जय श्री श्याम। श्याम रसोई में आपका स्वागत है। चलिए आज हम बनाते हैं, अभी नवरात्रि आने वाली है तो नवरात्रि के लिए डिश शुरू करते हैं हम आज से। तो ये बनाएंगे हम आलू की नमकीन, जो हम बाज़ार से लाते हैं फलियार वाली, बहुत ही महंगी भी मिलती है। घर पे बिल्कुल थोड़े से आलू से हम बहुत सारी नमकीन बना करके रेडी कर लेंगे। ये हमने 4 आलू लिए हैं, ये कच्चे आलू है, उबले हुए नहीं है, अच्छे से इनको छील लिया है। अब मोटे वाले ग्रेटर से हम इसको ग्रेट कर लेंगे। अगर मोटा वाला नहीं है आपके पास तो थोड़े से इसे जो छोटा होता है उससे भी आप ग्रेट कर सकते हैं, पर मोटे वाले से क्या होता है इसके लच्छे जो है वो अच्छे से निकल आते हैं। तो साथ साथ में अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। ये चारों आलू को हमने घिस लिया, 2 को पहले हमने घिस के पानी में डाल दिया था क्योंकि आलू का कलर बहुत जल्दी काला पड़ जाता है। अब इनको भी हम डाल देंगे पानी में। अब 4 से 5 बार करके इसको पानी निकाल निकाल के वॉश करेंगे, अच्छे से धो लेंगे, जब तक इसका ये चिकना चिकना सा पानी जो है आलू का स्टार्च जो है नहीं निकल जाता एकदम लास्ट में। सबसे जब तक धोना है हमें, जब तक इसका पूरा सफ़ेद पानी नहीं हो जाता क्लियर एकदम से। ये देखिए पूरा पानी निकाल करके हमने धो करके अच्छे से ले लिया है। अब कोई लेंगे हम सूती कपड़ा और कपड़े पे हम इसको डाल देंगे, थोड़ा बहुत जो पानी बचा हुआ हाथ से दबा करके निकाल दें, क्योंकि हमें इसको सुखा के ही फ्राई करना है। अगर हम गीले में करेंगे तो ये नमकीन जो है हमारी एकदम चिड्डी चिड्डी सी बनेगी, बिल्कुल क्रिस्पी नहीं बनेगी, मज़ा नहीं आएगा खाते हुए। अब एक ये कपड़े को जो है ऊपर से भी ढक दें ताकि जो ऊपर भी आलू पे पानी है उसको भी ये कपड़ा सोख ले। जितना अच्छे से सुखा के बनाओगे उतनी ही ज़्यादा क्रिस्पी जो है हमारी नमकीन बनेगी। ये देखिए 1 घंटे के बाद में ये बहुत अच्छे से हमारी सूख चुकी है। अब हम डालेंगे इसमें कढ़ाई में तेल, और तेल अच्छा गर्म होना चाहिए, तब हम डाल देंगे इसमें आलू की भुजिया। ये जो तेल में इतना ही डालना है जितना ये हम फ्राई कर सके, इतना ही नहीं डालना है कि हम इसकी जैसे सब्जी बनाते हैं ना वैसे नहीं बनाना है। अगर वैसे डालोगे आप थोड़े से तेल में बहुत सारा अगर डाल दोगे तो बिल्कुल भी अच्छी ये आपकी नमकीन नहीं बनेगी, उसकी सब्जी जैसी बन जाएगी। तो अच्छे से तलने के लिए जब तक इसमें बबल्स आते तब तक इसको ना छेड़े, उसके बाद में आप इसको अल्टा पलटी थोड़ी थोड़ी कर सकते हैं। और कलर आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, अगर आपको वाइट रखना है तो वाइट रख सकते हैं, अगर आपको थोड़ा सा डार्क रखना है तो डार्क रख सकते हैं, जैसी भी आपकी मर्जी हो। ये देखिए मैंने इसको थोड़ा सा हल्का सा ब्राउन कलर दिया है। अब इसको हम निकाल लेंगे अच्छे से। ये जो नमकीन है आलू वाली बहुत ही टेस्टी बनती है, और बाहर से हम लाते तो बहुत ही महंगी पड़ती है, 150 से 160-170 का जो पैकेट आधा किलो का आता है। ये देखिए 4 आलू में इतनी सारी हमने नमकीन बना करके रेडी कर ली है। अब हमने लिए थोड़े से मूंगफली के दाने, इनको भी हम फ्राई कर लेंगे। अगर आपको मूंगफली के दाने नहीं डालने तो आप यहाँ पे ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, अपनी पसंद का काजू बादाम जो भी आपको डालना है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। दाने फ्राई हो गए थे, अब थोड़ी सी हरी मिर्च और कड़ी पत्ता लिया है, उनको भी हम अच्छे से फ्राई करके डाल लेंगे। अगर आपको हरी मिर्च नहीं डालनी है तो सबसे बेस्ट है उपवास वाली नमकीन में काली मिर्च का पाउडर, टेस्ट भी बहुत बढ़ जाता है काली मिर्च के पाउडर के साथ में, और खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। लाल मिर्च का पाउडर कोई कोई ही खाता है उपवास में, इसलिए अगर आप खाते हो तो डाल लें, नहीं तो बिल्कुल ना डालें, काली मिर्च डालिए या तो हरी मिर्च डालिए। अब हमने टेस्ट के अनुसार नमक डाला है, और हम 1.5 चम्मच पिसी हुई डाल देंगे इसमें शक्कर, क्योंकि ये जो नमकीन है हम जब मार्केट से लाते हैं तो थोड़ा खट्टा मीठा टेस्ट आता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आपको मीठा नहीं डालना है, नमकीन ही खाना है, तो आप शक्कर को अवॉइड कर सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी। तो आप बताइए कमेंट करके आपको ये वीडियो कैसी लगी, और बहुत ही क्रिस्पी जो है नमकीन बन करके हमारी रेडी हुई है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। तो आप अभी नवरात्रि में बना करके ज़रूर खाएं, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय माता दी, जय।